कांग्रेस के राणा गुरजीत ते सब तो पहला सजिया जित दा ताज, कपूरथला तो अपनी सीट की पक्की। आजाद उम्मीदवार के तौर पर राणा गुरजीत के पुत्र राणा इंद्र प्रताप भी जिते। चोणों तो पहला ही अपने पुत्र अते अपनी जित का करता सी ऐलान। कांग्रेस के राणा गुरजीत ने कपूरथला सीट जित ली है। विधानसभा चोणों में सब तो अमीर उम्मीदवार वजो जाने जाते कपूरथला तो तीन बार विधायक रहे राणा गुरजीत अपने वोटरों लई हरमन प्यारे रहे हैं। साल 2002, 2012 और 2017 विधानसभा के मैंबर रहने तो इलावा विधायक भी रहे हैं। पंजाब विधानसभा की 16वीं विधानसभा चोणों के नतीजों में सब तो पहली जित राणा गुरजीत ने दर्ज कराई है। भारतीय चोण कमीशन को जमा करवाई चोण हलफनामे अनुसार राणा गुरजीत सिंह की उम्र 69 साल है और उन्हां दी विद्यक योग्यता 10वीं पास है। उन्होंने 125.6 करोड़ रुपए की कुल जायदाद 71.8 करोड़ रुपए दी देनदारियां का ऐलान किया है। डिस्टलरी तो लैके पोलीकोट तक, दक्षणी अफ्रीका विच व्यापार तो अनाज तक राणा गुरजीत अते उसके परिवार की लगभग हर कारोबार विच शमूलियत है। चोण कमीशन नूं दित्ते ताज़ा हलफनामे विच उसने वख-वख कारोबार करन वालियां 10 कंपनियां विच शेयर होण दा दावा किया है। वह 2004 विच जलंधर लोग सभा हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उन्हां दी जित तो बाद उन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई वाली सरकार विच शामिल कर लिया गया सी। 2017 दीआं चोणां विच पंजाब विच कांग्रेस नूं बहुमत मिलिया सी, पर राणा गुरजीत लई सब कुछ ठीक नहीं रहा। रेत की खुदाई के ठेके हासिल करन विच शामिल होण दे दोषां कारण उन्होंने अस्तीफा देना पिया सी। सारे दोषों तो मुक्त होने तो बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल किया गया सी। पर नवजोत सिद्धू के प्रधान बनने तो बाद कांग्रेस अंदर राणा का विरोध शुरू हो गया सी। दुआबे के 7 उगे कांग्रसी आगुआ ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल के विस्तार तो पहला राणा गुरजीत सिंह की राज विच रेत माइनिंग घोटाले में कथित शमूलियत लई पंजाब मंत्रिमंडल में शामिल करने विरुद्ध पत्र लिखा सी। नवजोत सिद्धू भी राणा के हक में खड़े नज़र नहीं आ रहे सन और राणा के विरोध में बोलने तो ग्रेज नहीं करते सन। राणा गुरजीत भी सिद्धू के खिलाफ खुल के बोलने लग पे सन। राणा ने मीडिया अगे सिद्धू से वरदियां कहा सी पार्टी अंदर फुट पाउण की कोशिश करन अते रवायती कांग्रसियां की वफादारी ते सवाल उठाउण कारण पंजाब कांग्रेस अंदर नवी दरार पैदा हो रही है। 2022 दीआं विधानसभा चोणां लई राणा कांग्रेस पार्टी तो टिकट लैण विच कामयाब रहे। उन्होंने वोटां तो पहलां ही अपनी अते अपने पुत्र की जित का ऐलान कर दिता सी, जबकि उन्हां दा पुत्र राणा इंद्र प्रताप आजाद तौर पर चोण लड़ रहा सी अते एक कांग्रसी उम्मीदवार के विरोध में खड़ा सी। राणा ने उदों भी बयान दिता सी कि मेरा पुत्र जितेगा तो यह सीट भी कांग्रेस की झोली पवेगी। हुण जब सारे पक्ष राणा गुरजीत सिंह के हक में भुगते हैं तो देखना यह है कि कांग्रेस हाईकमान राणा गुरजीत लई की थां रखती है, क्योंकि पंजाब विच कांग्रेस के मुख्यमंत्री के अहुदेदार चरणजीत सिंह चन्नी ते सूबा पार्टी प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के बुरी तरह हार जाण कारण पंजाब की कांग्रेस पार्टी च राणा गुरजीत का सियासी कद वधण के आसार पूरी तरह नज़र आ रहे हैं।